मूसा करनी, मैरी मिया गंगेटिका, इसकी बेल पूरे भारत में मिल जाती है। वर्षा के आरंभ में जन्मती है और ठंड के अंत तक जीवन चक्र पूरा कर लेती है, पर नदी वाले स्थानों पर इसे वर्ष भर भी देखा जा सकता है। इसमें पीले फूल आते हैं, 5 से 6 फुट तक भी लंबी देखी जा सकती है। इसके हर गांठ से जड़ें निकलती है, हर गांठ पर पत्ते भी होते हैं। उसका यहां फोटो भी दे रहा हूं। आरंभ में ये हरी होती है, कलात्म में कत्थई लाल हो जाती है। कोई भी वनस्पति यदि निकाले तो बाल वनस्पति या फिर वृद्ध वनस्पति नहीं निकालनी चाहिए। युवा यानी जब वो पुष्प पर हो तब ही निकालनी चाहिए। मैं इसके पंचाग का प्रयोग करता हूं। रस निकालने के बाद जो बचता है उसे सुखाकर खार निकाल लेता हूं। ये काम शक्ति वर्धक भी होती है, मूत्र लाने वाली रसायन भी है। वात रोग, भगंदर, उदर कृमि, नेत्र रोग, योनि संबंधी विकारों पर प्रभावी है। चूहे के विष की भी औषधि है। इसके खार से पारे को मर्दन करने से पारा राक्षसी भूख शास्त्रोक्त शब्द वाला हो जाता है। कुछ भी खा ले, खार के साथ इसको 45 दिन लगातार मर्दन के बाद दिन रात ये पारा अपने वजन से 3 गुना तक खार तत्व को पचा लेता है। इस पारे को सुखाकर इसी के रस से मर्दन करने से ये पारा अपने वजन से 7 से 8 गुना तक रस को 1 सप्ताह में पचा लेता है, यानी आधा की पारा 3, 5 से लेकर 4 की रस तक पचा लेता है। ये पारा स्थिर भी हो जाता है, बध और अग्नि स्थाई दोनों ही। ये पारा तीक्ष्ण क्रियाशील भी होता है। मर्दन का कार्य वर्षा ऋतु में किया जाता है, उसके बाद उसी के रस में भरकर छोड़ दिया जाता है लगभग 50 डिग्री से पर। बाद में रस निकालकर सुखा दिया, बध पारे की भस्म बना ली जो सभी कार्यों में उपयोगी है। ये भस्म कत्थई लाल रंग की बनती है। आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। खार यदि पुराना रखा हुआ हो तो उसे बरसात के 4 गुने जल में घोलकर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। काफी मात्रा का खार जल में नहीं घुलता है, नीचे सफेद रंग के कणों में बैठ जाता है। ऊपर का हिस्सा ले ले, हर बार ऐसा ही करना चाहिए। खार ज्यादा समय रखा रहे तो शंद हो जाता है, ये पारे को भी खराब कर देता है। सूखे खार को न्यूज़पेपर में बिल्कुल न रखे। पारे के काम में न्यूज़पेपर बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें लेड इंक का प्रयोग होता है, बटर पेपर ले सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करें अंबर रंग की कांच की शीशियां ही ले। खार कांच को भी काट देता है, इसलिए बोरोसिल या फिर इसी प्रकार के कांच की शीशी का प्रयोग करें। क्षार या अम्ल प्रूफ प्लास्टिक भी आता है जो किसी साइंटिफिक स्टोर पर मिल जाएगा, प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक संभव हो कांच की शीशियां ही प्रयोग करें। अंबर रंग की शीशियों में अल्युमिनियम के ढक्कन नहीं होने चाहिए।